बेसिकली एक और दिन का शुरुआत हो चुका है। कल रात को मैं सो गया था, जैसे कि मैं बोला अभी सुबह उठा, मैं उठ के फ्रेशन अप हो गया, अभी थोड़ा गीला गीला है फेस, अभी फ्रेशन अप होकर ब्रश करके बाकी सब काम ख़त्म करके बाथरूम का मैं आ गया, अभी रेडी पूरा। अभी यहाँ पे थोड़ा पानी गर्म करना है, प्रोटीन नहीं है तो आज कुछ दूसरा कुछ ट्राई करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊँगा अभी क्या ट्राई कर रहा हूँ। सो अभी दूसरा जो वाला ट्राई करना है वो वाला ट्राई कर लेता हूँ, उसका इफ़ेक्ट कैसा है क्या नहीं है सब कुछ मैं पहले देख लेता हूँ, फिर मैं कैमरे के सामने वो वाला बोलूँगा। और मेरे को टिफ़िन गर्म करना है क्योंकि अभी हो रहा है 9, पीयू को 10:30 बजे तक पीयू को ऑफ़िस छोड़ने जाना है। पीयू का ऑफ़िस भी है, ऑफ़िस नहीं तो वो छुट्टी भी नहीं कर सकता, आज तो फ्राइडे है। सो अभी टिफ़िन बनाना पड़ेगा, टिफ़िन फटाफट मैं टिफ़िन बना लेता हूँ, उसको रेडी करवा, वो रेडी हो जाएगा फिर उसको ऑफिस छोड़ के आता हूँ, आके फिर मेरा थोड़ा काम है जैसे कि मैं बोलता हूँ। अभी इस बीच मेरा कैमरा को भी चार्ज करना है, इसका चार्ज अभी धीरे धीरे देख रहा हूँ, इसका बैटरी का जो क्षमता है वो धीरे धीरे घट रहा है, कि इसका पावर थोड़ा थोड़ा घट रहा है, मतलब ज़्यादा देर तक इसका चार्ज नहीं रह सकता। सो अभी इसको चार्ज करना है और मैं तब तक फटाफट फटाफट जितना भी काम है थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लेता हूँ। पहले मैं पानी गर्म करके मेरे अभी जो नया वाला प्रोटीन शेक वगैरह, प्रोटीन के लिए नया वाला जो लूँगा प्रोटीन इम्यूनिटी के लिए, वो वाला पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ। पहले 2-3 महीना मैं खुद ट्राई करूँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा कि क्या अभी लेता हूँ क्या नहीं लेता हूँ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसका इफ़ेक्ट कैसा है नहीं है, साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं खुद ट्राई करूँगा। जैसा कि मैंने बोला कि मैं प्रोटीन के बदले में कुछ भी एक्स वाई जेड में अभी ट्राई कर रहा हूँ, जो वाला मैं आपको बाद में बताऊँगा वो वाला अभी यहाँ पे खुल गया है अच्छे से, वो भी सेम प्रोसेस, गर्म पानी करके इसमें घुलाना है 12 ग्राम करके 2 ice a day। सो अभी उसको मिला रहा हूँ यहाँ पे, अभी पता नहीं कैसा होगा, टेस्ट क्या होगा नहीं होगा, अभी ट्राई करके पहले देखना पड़ेगा उसके बाद। और एक चीज़, आज मेरे हाथ से बहुत बर्तन गिर रहा है, बहुत मेरे को गाली भी पड़ रहा है, क्यों गिर रहा है मैं एक साथ ठीक करके रख रहा हूँ लेकिन फिर भी गिर रहा है, सो बहुत गाड़ी पड़ रहा है। सो अभी मैं बना रहा हूँ हम मेरा और पीयू का टिफ़िन। तो टिफ़िन में कल रात को जो मैंने आलू का सब्ज़ी बनाया था वो थोड़ा बच गया था, वो वाला है, तो यहाँ पे रोटी भी बच गया था, रोटी और आलू का सब्ज़ी दोनों ही आज सुबह का टिफ़िन हो जाएगा। सो इसलिए इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा मीठा वगैरह बनाया था क्योंकि कल रात को टेस्ट उतना खास नहीं हुआ था, सो अभी टेस्ट इसको अच्छा करूँगा और रोटी से। तो सुबह का टिफ़िन का तो हो गया है, पर टिफ़िन बना के रेडी कर दिया, अभी यहाँ पे दोपहर का चावल गर्म हो रहा है, सो ये वाला बन जाएगा तो दोपहर का खाना का सब कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दोपहर का तो चिकन वगैरह, उस दिन का चिकन है सो वो चिकन भी गर्म कर लूँगा दोपहर में, और चावल तो गर्म गर्म अभी बन रहा है। सो 10 बजे के अंदर मेरा घर का थोड़ा बहुत काम ख़त्म। तो ऑलमोस्ट अभी 10 बज रहा है, 10 भी अभी ठीक से नहीं बजा है, तो उसके बीच मेरा घर का जितना भी काम था मेरा काम ख़त्म हो गया, पीयू भी थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लिया, अभी सिर्फ ये बिछाना है, मतलब ये बिस्तर को ठीक करना है, पीयू को दवाई देना है, उसको ऑफिस जाके छोड़ना है, बस काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आके मैं आराम से बैठ के अपना शेयर मार्केट चेक करूँगा। बेसिकली अभी यहाँ पे नेटफ्लिक्स चल रहा है, सो नेटफ्लिक्स दिखाने से मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्राइम मेंबरशिप हूँ नेटफ्लिक्स का, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटफ्लिक्स में दिखा सकता हूँ। और उसके साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे खाने के लिए मंचिंग्स रख दिया है, अभी ये मूवी पूरा देखूंगा, मूवी जो हो रहा है वो है मलंग, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ये मूवी, सो ये वाला मूवी मैं अभी देखूंगा,
फिलहाल तो घर का सब काम हो चुका है, व्यू को छोड़ के आ गया हूँ, अभी कोई काम नहीं है, मेरा एडिटिंग भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, सभी बैठ के आराम। सो 2:05 अभी बाकी है, मैं पूरा नहा के एकदम रेडी हो गया हूँ, अभी 2:05 बाकी, जैसे कि मैंने बोला तो व्यू को लाने में अभी जा रहा हूँ उसका ऑफिस से, वो मेरे को कॉल कर दिया, उसको जाऊंगा लेके आऊंगा, फिर खाना गरम करना है, ऑलमोस्ट खाना सब कुछ मैं गरम करके रख दिया, तो उसको फिर से गरम करना है, थोड़ा और एक बार गरम कर लेना है, क्योंकि खाने से पहले गरम खाना खाना अच्छा है, सो इसलिए खाने से पहले एक बार गरम कर लूँ, उससे और भी अच्छा होता है, गरम कर लूँगा करके फटाफट खा के फिर मैं निकल जाऊँगा थोड़ा ऑफिस, व्यू को भी ऑफिस छोड़ के वो भी काम कर दूँगा, मैं भी काम कर दूँगा, बस 6 तक हम लोग दोनों मिल के घर में आ जाएंगे फिर से। तो अभी अभी मैं व्यू को ऑफिस से लेके आया, थोड़ा बहुत बाज़ार करके भी आया, कुछ कुछ सामान खरीदा था कल, जैसे कुछ कुछ सामान खरीद के लेके आया, आज भी थोड़ा बाकी था वो वाला भी लेके आ गया। सो अभी मैं फ्रेशन अप हो जाऊँगा, उसके बाद मेरे को किचन में जाना है, खाना पकाना है, खाना खाना है, और तब तक मेरे को व्लॉग भी। सो बेसिकली रात का खाना डिनर वगैरह डिनर के लिए जो है वो बना लिया, रोटी बना लिया, और किचन का हालत ऐसा कर दिया पूरा गंदा एकदम, मैं किचन में आऊँगा तो गंदा होगा, इससे पहले वाला ब्लॉग में भी आप लोग देखे हो कि ऐसा गंदा मेरा हो जाता है। सो अभी कल का थोड़ा आलू का सब्ज़ी थोड़ा बच गया है, जो रात को था वो वाला थोड़ा बच गया है, अभी उसमें थोड़ा सोयाबीन डाल के उसको पका लेंगे हम लोग करके रात को खा लेंगे, और कल सुबह का भी रोटी बना लिया है, अभी कल सुबह उठ के कौन बनाएगा फिर से, कौन ये करेगा, इसलिए अभी से बना के रख दिया कि कल सुबह थोड़ा आराम से रिलैक्स से काम कर सकें। ब्लॉग एडिट हो गया है, ब्लॉग एडिट हो के ब्लॉग यूट्यूब में चला भी गया है, वायरल हो गया है, मेरा डिनर ख़त्म हो गया है। सो अभी के लिए ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग पर।